हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ आज नूडल्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज, और ये है गाजर, और ये है शिमला मिर्च। तो मैं इसे पहले कट कर लूँगी, तो आपको मैं कट करके बता देती हूँ कि हम किस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से इसे हम पहले बारीक काट लेंगे लच्छों की तरह। तो आपको जितने कैबेज इसमें डालने हैं आप उस हिसाब से इसमें कट करेंगे, और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो इतने कैबेज हमारे काफ़ी हैं, और इसे हम फिर से छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कैबेज कट करके तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम अलग रख लेते हैं अभी। अब यहीं पे हम अपने शिमला मिर्च को भी कट कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च को हम ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, तो इसे हम रफली चॉप करेंगे। तो इस तरह से हम इसे थोड़े बड़े बड़े कट करेंगे, ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे इसे हम। तो इस तरह से हमने इसे भी कट कर लिया है। अब हमें गाजर कट करना है, तो गाजर को हमें इस तरह से लंबे लंबे काटना पड़ेगा पहले, और फिर इसे इस साइड से काटेंगे। तो इसमें आप अपने मन चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसमें डालूँगी कॉर्न और शिमला मिर्च, कैबेज और गाजर। तो इसे हमने इस तरह से रफली बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हमारी ये गाजर भी चॉप होकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहीं पे लहसुन कट कर लेंगे। तो इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम इसे लहसुन हमने 7-8 कलियाँ ली है, तो इसे भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बारीक बारीक कट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे हम बारीक कट कर लेंगे लहसुन को। और यहीं पे हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, तो अदरक को भी हम पहले छील लेते हैं। और इसे हम लच्छों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पहले कट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे लंबे टुकड़ों में कट करके, फिर उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। या फिर आप लच्छे रखना चाहें तो लच्छे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे वेजिटेबल्स कट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, कैबेज, कैरोट और जिंजर और गार्लिक। तो ये हमारे कट होकर तैयार हो चुके हैं हमारे वेजिटेबल्स। तो हम इसमें थोड़े गाजर और कट कर लेते हैं। तो आपको जितनी वेजिटेबल डालनी है उस हिसाब से आप इसे कट करेंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम इसे देखकर हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कैबेज, शिमला मिर्च एंड गाजर कट कर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बच्चे आपके वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे नूडल को उबालने के लिए रख देंगे अब। तो ये हमारे सब्जियाँ कट कर तैयार हो चुकी हैं, अदरक, लहसुन, गाजर, कैबेज और ये है शिमला मिर्च। तो ये हमारी सब्जियाँ कट कर तैयार हो चुकी है, तो इसे हम अभी रख देते हैं। यहाँ पे हमने वाटर को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाटर में थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालने से ये होता है कि हमारे नूडल्स चिपकते नहीं हैं। तो हम यहीं पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा नमक ऐड हो जाए। तो हम थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा ऑयल में हमने नमक वाटर में हमने नमक को ऐड कर दिया। अब यहीं पे हम अपने नूडल्स को भी ऐड कर देंगे।
तो ऑयल डालने से ये होगा कि हमारे नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, तो हम इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, हम इसे ध्यान देंगे कि कितना बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारे नूडल्स भी पक कर तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम छान लेते हैं, इसके पानी को रिमूव कर लेते हैं और इसे ठंडे पानी से हम थोड़ा वॉश कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा और कुक ना हो जाए। तो हम इसे अब निकाल लेते हैं और इसे छान कर इसे ठंडे पानी में धो लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे खिले खिले नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे वेजिटेबल डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने ऑयल को ऐड कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं लहसुन। तो लहसुन को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे और यहीं पे हम अदरक भी ऐड कर देते हैं। यहीं पे एक दो छोटी चिली हमने कट की थी उसे ऐड कर देते हैं और सारे सारे वेजिटेबल्स को भी ऐड करके हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसे हम ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम नहीं पका रहे हैं, इसे हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने सॉसेस यूज करेंगे, तो सॉस में हम डालेंगे सोया सॉस, टमाटो सॉस, और यहाँ पे हम डालेंगे विनेगर। और थोड़ा सा चिली सॉस। तो फ्रेंड्स इन सभी को हम मिला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में सॉल्ट होती है। अब हम यहाँ पे नूडल्स को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल बिल्कुल नहीं चिपके हैं क्योंकि हमने इसे उबालते हुए ऑयल ऐड किया था। तो इस तरह से हमारे नूडल को हम अच्छे से सब्जियों में और सॉसेस में मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बन गई। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, तो ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने स्वीट कॉर्न नहीं डाला था, तो हमने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दिया है। तो ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें मिक्स हो जाएगी ये भी। तो इस तरह से हमारे नूडल्स बनकर तैयार है, तो आपको मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी टेस्टी सी नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा। और एक दो ट्रिक मैंने बताए हैं, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपके नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो इस तरह से हमारे नूडल्स की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बाय बाय। तो ये रही हमारी टेस्टी सी नूडल की रेसिपी। बाय बाय।